अच्छा जी, अब उसूलन तो भाई साइनअप लॉगिन भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो रहे थे क्या तुम? आते भी लेट हो, क्लास में भी लेट आ रहे हो, मीटिंग में लेट ज्वाइन कर रहे हो, चीख चीख के बोलते एक ही दफ़ा आ रहा ताकि एक ही दफ़ा सबको मैं एडमिट कर लूँ। भाई तुम्हें नहीं कर रहा, मैं उसका देख के करो। अब मैं कसम खाई हुई, जो सर ने बोला उसका हमेशा उल्टा करना है, नॉट लगा दो पीछे, सर ने बोला है जो उसका उल्टा करो बस। अच्छा जी, अब ये साइन अप और लॉग इन, स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पे। ये आ गया यहाँ पे यूज़र, मैंने कहा कि भाई अगर यूज़र फॉल्स है, यानी यूज़र लॉगिन नहीं है, सिर्फ जब मुझे ये चीज़ें दिखनी चाहिए बस। से मुझे इसलिए दे रहा हूँ कि मैं दो चीज़ें रन करवा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, एक फ्रैगमेंट ले लूँगा, सही है? गायब हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉग इन हो। अब जैसे ही लॉग आउट करूँगा दोनों आ जाएंगे। समझ में आया भाई फ्लो? कोई सवाल? अच्छा, लॉग आउट के ऊपर मुझे यूज़र नेम भी करवाना पड़ेगा चेंज, वैसे अगर मैं ना भी करवाऊँ तो वो ओवरराइड हो जाएगा, लेकिन हम करवा देते हैं एहतियातन। अब ज़रा प्रॉपर फ्लो देखते हैं ज़रा। यहाँ मैं आया भाई, मैं ना साइन अप हूँ ना मैं लॉगिन हूँ। मैं साइन अप और लॉगिन पर जा सकता हूँ, होम पे भी जा सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, वेलकम भी नहीं आना चाहिए, खाली लिखा है वेलकम, किसको वेलकम कर रहा पता ही नहीं है। तो भाई आ जाओ यहाँ पे, इसको भी सही कर लेते हैं। मैंने कहा कि जो H1 है भाई, ये H1 कब आए, वही सेम लॉजिक, कॉन्स्ट यूज़र। इसके लिए ना देखिए, मल्टीपल टाइम में ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए आप सिंपल एक कोई जनरल फंक्शन है, कोई हुक बना ले, कस्टम हुक। इसके लिए आप लॉजिक रिपीट हो रही है ना, हमने क्या पढ़ा है, अगर लॉजिक रिपीट हो रही है, डुप्लीकेशन ऑफ लॉजिक है, तो आप क्या करो, कस्टम हुक बना लो। डुप्लीकेशन ऑफ स्टाइलिंग है तो क्या कर लो, हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट बना लो, HOC। भाई ये अगर रिविजन करेंगे सब समझ में आएंगी चीज़ें, वरना ऐसी हवा में झूलते रहेंगे बस। मैं समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे, क्या बातें कर रहे हैं हम लोग, आ रहा है समझ में? दोबारा को भाई, मंडे को टेस्ट है, क्लास के बाद दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं आपके लिए, या और जो लेट आए थे, तुम भी लेट आए थे, कौन नहीं, वो टाइम पे आया था। ये मैं यूज़र की स्टेट यहाँ पे यूज हो रही है, सही है यहाँ पे, ठीक है। इस यूजर लॉगिन, अगर यूजर लॉगिन है सिर्फ तभी H1 आना चाहिए, सही है? अबाउट पे नहीं जा सकता, कॉन्टैक्ट पे गया, यूज़र पे नहीं जा सकता। लॉगिन आया भाई, मैंने कहा भाई मैं साइन अप कर लेता हूँ, खुद ही लॉगिन हो जाऊँगा, टाइम बचा लेता हूँ अपना। टेस्ट यूज़र test@gmail.com, पासवर्ड आया, हेलो 1234।
सबमिट किया, डायरेक्टली होम पेज पे लैंड हो गया, साइन अप लॉगिन के लिंक्स चले गए, लॉगआउट का बटन आ गया। मैं भाई कहीं भी घूम सकता हूँ पूरी वेबसाइट पे, जहाँ दिल चाहे मेरा वहाँ घूमूंगा, ठीक है, लेकिन अब दोबारा साइन अप लॉगिन पे नहीं जा सकता। मैं चाह रहा हूँ होशियारी करके जाना चाहूँ भाई साइन अप, ये तो चला गया, कोई यूज़र होशियार हो वो तो जा सकता है, आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी तो गई। कैसे सिक्योर करोगे इसको? लेकिन इसको आप प्राइवेट ऑर्डिंग में डाल नहीं सकते वहाँ पे साइन अप लॉगिन के पेजेस को, क्योंकि ये तो आपने दिखाने ना यूज़र को। क्या मैं, अरे सुनिएगा ज़रा गौर से, क्या मैं साइन अप लॉगिन के जो पेजेस हैं ये वाले, इनको मैं क्या प्राइवेट डॉट्स में डाल सकता हूँ या अंदर? क्योंकि भाई ये तो ग्लोबली दिखाने ही है मुझे, प्राइवेट डॉट में तो वो पेज आएंगे जो प्रोटेक्टेड होंगे, इनको अगर प्रोटेक्टेड कर दिया मैं तो यूज़र कैसे साइन अप लॉगिन करेगा? इनको तो मैं प्रोटेक्टेड किसी हाल में कर ही नहीं सकता, इन्हीं पे तो बेस कर रहा है सब कुछ। कैसे हल करेंगे इस मसले को? कंडीशन लगाएंगे कहाँ पे? साइन अप और लॉगिन के पेज पे। देखिए हर तरह से, देखें अभी आपको लग रहा होगा कि भाई पूरी एप्लीकेशन प्रॉपर चल रही है, फुल सिक्योर हुई हुई है, लेकिन देखिए 2 मिनट के अंदर अभी आपके एप्लीकेशन की सिक्योरिटी दिख गई। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, साइन अप के पेज पे आते हैं। आपको पता है जैसे ही पेज कंपोनेंट आपका माउंट होता है या लोड होता है, सबसे पहले क्या चलता है? यूज़ इफेक्ट एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले। तो भाई मैंने बोला यूज़ इफेक्ट करो, सबसे पहले चेक करो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम में जाके कि भाई इज़ यूज़र लॉग इन, क्या कह रहा है, ट्रू है या फॉल्स है? अगर तो यूज़र फॉल्स हुआ जैसे अभी था, तो आप क्या करोगे? जैसे ही फॉल्स यूज़र अगर है तो आप बिना आश्रय के नेविगेट करा दो उसको कहाँ पे? इसी पेज पे कि भाई साइन अप करो, कहाँ जा रहे हो? तो यही सेम काम लॉगिन पे भी करना है हमें, और इसको बोलेंगे भाई आप यहीं पे रहो। अब देखिएगा आप ज़रा, मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखा भाई टेस्ट, चलिए लॉग आउट कर दो, मैं लॉग आउट नहीं हूँ। मैं होम पेज पे आ गया, साइन अप पे जा सकता हूँ, लॉगिन का पेज क्यों ब्रेक हुआ था? यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, रिलोड किया मैंने लॉगिन, test@gmail.com पासवर्ड आ गया, हेलो आ गया होम पेज पे। अब मैं जाता हूँ कहाँ पे? साइन अप, ज़रा गौर से देखिएगा सर, आ रहा है एक सेकंड। अच्छा ओके, देखें असल में हो क्या रहा है कि हम लॉगिन के ऊपर ना, हम यूज़र का नाम सेट करवा रहे हैं लॉगिन साइनअप के ऊपर, सही है, क्योंकि हमने, हमारा फ्लो को ऐसा है कि हम लॉगिन नहीं करवाते, बाय डिफ़ॉल्ट साइनअप करवाते हैं जब कोई नया यूज़र आता है, तो हम साइनअप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा मैंने लेट्स से असलम टेस्ट हेलो, ठीक है, मैंने किया यहाँ पे एंटर, जैसे ही एंटर किया यहाँ पे आ गया वेलकम असलम, ठीक है। अब मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ दोबारा? साइन अप पे, एक सेकंड, कंडीशनों का मसला है इसका मतलब।
कुछ कंडीशन में इश्यू लग रहा है मुझे। यूज़र लॉगिन आपका ट्रू है। अगर यूज़र फॉल्स है तो साइन अप पे जाएगा। नहीं, अगर ट्रू है तो वही रहे वैसे। कंसोल कर दो, यूज़र में आ क्या रहा है। ओके ओके ओके, एक सेकेंड, समझ गया मैं क्या इशू है। एक दफ़ा दोबारा टेस्ट क्रिएट करते हैं इधर। होम पेज पे आया हम, साइन अप, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब मैं दोबारा साइन अप पे जाने की ट्राई करता हूँ। देख रहे हैं आप, ट्रू तो आ रहा है, लेकिन ट्रू कौन सा आ रहा है? स्ट्रिंग में ट्रू आ रहा है, बूलियन नहीं आ रहा। क्लियर है? ये इशू हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगा भाई कि जो यूज़र है, ये जो आ रहा है, इसको आप क्या कर दो, इसकी बूलियन वैल्यू चेक करो, स्ट्रिंग चेक नहीं करो। आई थिंक अब फिक्स हो जाना चाहिए इसको। मेरे हिसाब से फिक्स हो जाना चाहिए इसको। दोबारा से टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे ट्रू। साइनअप पे आ रहा है अभी भी। स्लैश साइनअप पे आ ऐसा आना नहीं चाहिए यार ये। अगर यूज़र फॉल्स है क्या हो रहा है, मुझे आने दे रहा है साइन अप पे ये? यस, कौन बोल रहा है? यस भाई, तुम ही हो यस वाले भाई। भाई नहीं सर, मैंने बोला नो सर। कंडीशन गलत थी, आप लोगों ने भी नहीं देखी भाई। देखें कंडीशन क्या है, मैं अगर लॉग इन हूँ और मैं साइन अप पे जा रहा हूँ, तो क्या मुझे साइन अप पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, मुझे होम पे रहना चाहिए। तो मैंने ये कंडीशन दी कि भाई अगर तो यूज़र ट्रू है तो उसको कहाँ रखो, होम पे रखो, साइन अप पे आने नहीं दो। और यही काम लॉग इन पे, अगर तो यूज़र लॉग इन है तो उसे कहाँ रखो, होम पे रखो। तो अगर मैं लॉग इन हूँ, मैं यहाँ से तो खैर जा सकता ही नहीं हूँ पहले भी, लेकिन अगर मैं यहाँ से भी नहीं जा सकता, मन में आ रही है बात?
तो भाई ये एक और सिक्योरिटी क्लियर यहाँ पे आ गई है, सही है। तो कोई सवाल इसमें किसी का, कोई क्वेश्चन? ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे साइन अप लॉगिन का पूरा फ्लो। कोई क्वेश्चन है भाई? समझ में आ गया? अब टाइम है नहीं कि मैं इसको वहाँ इम्प्लीमेंट करूँ, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रॉपर साइन अप लॉगिन लॉगआउट क्या होता है, किस तरीके से फ्लो है, प्राइवेट राउटिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कंडीशनली रेंडरिंग कौन कौन सी चीज़ों को करना है, कब करना है, हर एक टेस्ट केस। जब भी आप ऐप बनाते हो ना, याद रखिएगा एप्लीकेशन बनाना इतना बड़ा कमाल नहीं होता, वो तो कोई भी बना लेता है। असल होता है उसके सारे टेस्ट केसेस कवर करना, भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे देखें अभी ये टेस्ट केस दिमाग में नहीं था कि भाई चलें हमने तो, अब हमारे दिमाग में क्या था, डेवलपर के माइंड से नहीं सोचा, यूज़र के माइंड से सोचा। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हम लोग डेवलपर हैं तो हम लोग डेवलपर के माइंड से सोच रहे होते हैं कि भाई हमने चीज़ बनाई है तो हम यूज़ करेंगे, भाई हम यूज़ नहीं करेंगे इस चीज़ को, दुनिया यूज़ करेगी। और यूज़र एक जैसे यूज़र्स स्टूपिड यूज़र जो है ना, वो क्या करेगा, वो आपकी एप्लीकेशन को हर तरह से इस्तेमाल करेगा, ठीक है। आपने चीज़ बनाई तो आप बिल्कुल तमीज़ से प्यार प्यार इस्तेमाल करोगे उसको, लेकिन जो और यूज़र हैं वो तो नहीं करेंगे ना, वो तो हर एंगल से आपको उनके लिहाज से भी देखना है, तो हर एक टेस्ट केस सोचना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे साइन अप लॉगिन के लिंक ही हटा दिए, तो अब लिंक ही तो बंदा क्लिक कैसे करेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन भाई बंदा क्लिक नहीं कर सकता, कोई टेक्निकल यूज़र आ गया, उसको पता है भाई राउट होता है, रिएक्ट की ऐप है, राउटिंग करी भी होगी उसने लाजमी, उसने राउट डाल दिया आपका साइन अप लॉगिन का, तो उससे तो आपकी एप्लीकेशन ब्रेक हो गएगी। तो ये केस भी आपने कवर अप करना होता है। जैसे भी रिसेंटली आपको मैंने दिखाया भी था क्लास के अंदर, नेटफ्लिक्स का दिखाया था आपको मैंने, सही कर दिया था, अच्छा वो आपसे पहले वाली उनको दिखाया था मैंने। अभी नेटफ्लिक्स का एक बड़ा इशू चल रहा था, लिंक्डइन के ऊपर ही बड़ा इस पर लोग ट्रॉलिंग कर रहे थे, नेटफ्लिक्स को इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या करा हुआ था उन्होंने कि अपना एक, मतलब मुझे गलती नहीं थी, उन्होंने एक टेस्ट केस मिस कर दिया। जैसे अभी एक हमने केस अभी निकाला एक नया कि भाई ऊपर से डाउट भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने एक टेस्ट केस मिस कर दिया था। वो क्या था, बेसिकली उन्होंने अपनी टेस्टिंग के लिए एक पेज, एक राउट बनाया हुआ था स्लैश हेलो वर्ल्ड के नाम से ना, इस तरीके से ये आपकी एप्लीकेशन है स्लैश हेलो वर्ल्ड के नाम से ना, एक टेस्टिंग का उनका राउट होगा ये चेक करने के लिए कि ऐप चल रही नहीं चल रही। हम लगाते हैं हेलो वर्ल्ड या चेकिंग करके हम एक लगाते हैं ये चेक करने के लिए भाई सर्वर प्रॉपर रन हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसे उन्होंने कोई पेज बनाया हुआ होगा, वो उसको प्राइवेट करना भूल गए थे। तो अब लोग ने क्या किया, लोग माना कि इसको ऐसे हिट करके देख रहे थे, जैसे हिट करते थे यहाँ लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड नेटफ्लिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन में नेटफ्लिक्स, तो उस पर लोग बड़ा लिंक्डइन वगैरह पर ट्रॉलिंग कर रहे थे ये वो। ऐसे एक सिमिलर केस हुआ था बाइकिया के साथ, बाइकिया एप्लीकेशन है, तो उसमें क्या हुआ था कि उनके डेवलपर ने कंसोल्स ऑफ करना भूल गए थे प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब प्रोडक्शन आपकी जो प्रोडक्शन ऐप होती है ना उस पर कंसोल्स नहीं दिखाते हम, उन्होंने सारे कंसोल खोले हुए थे, यहाँ पे आया था भाई हेलो बाइक चल रही है, हाँ सब ओके है, इस तरह के कंसोल्स खोले हुए थे उन्होंने, तो उस पर भी बड़ा यानी कि मजाक बना था लिंक्डइन पे। मतलब उन्होंने जब देखा कि भाई इतना ट्रॉलिंग हो रही है सब, तो उन्होंने फिर अपने कंसोल्स बंद कर दिए। तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं और होते रहते हैं, कोई मुझे इतनी वो अनोखी बात नहीं है भाई, ज़ाहिर है आप डेवलपर कोई रोबोट थोड़ी इंसान है, और ह्यूमंस कांट बी परफेक्ट, वो हमेशा इम्परफेक्ट होता है, और यही उसकी खासियत होती है जो उसको अलग करती है। कभी आपने गौर किया है, तो क्लास तो हो गई इसको।